फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो हियर इज़ अवर वायनाड ब्लॉग पार्ट टू। सो जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम आपको जो रिजॉर्ट का टूर है वो पार्ट टू में कराने वाले हैं। सो इट्स हियर, लेट्स स्टार्ट इट। एंड जो वायनाड के जो रिज़ॉर्ट्स हैं वो आपको सारे जो बेस्ट रिज़ॉर्ट्स हैं वायनाड के वो जो हैं वो वायनाड का जो डैम है वानासुरा डैम उसके अराउंड ही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट पार्ट में। एंड हमारा रिज़ॉर्ट भी वहीं उसी एरिया में था। तो ये रिज़ॉर्ट्स के जो रेट हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, 15 to 16 के अराउंड हैं इनके रेट्स, जो टैरिफ हैं। और वो भी डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप जो इनका पीक सीज़न रहता है उसमें जाएंगे तो रेट्स तो सारे रिजॉर्ट के हाई ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, लाइक फिश स्पा एंड पॉटरी, एंड आपको मॉर्निंग में नेचर वॉक पे लेके जाते हैं, जो कि काइंड ऑफ आपको ट्रैकिंग ही फील आएगा उसमें, जो मैं आपको अपना नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। बिकॉज नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको वानासुरा डैम भी लेके जाएंगे। इस ब्लॉग में मैं आपको ओनली रिजॉर्ट का टूर कराऊंगी। सो नाउ इट्स टाइम टू वेलकम ड्रिंक। सो नाउ इट्स टर्न टू रूम टूर। तो इस रिजॉर्ट में आपको 3 कैटेगरीज के रूम मिलेंगे, लाइक कॉटेजेस, लेक व्यू प्रीमियम रूम्स एंड लेक व्यू रोमांटिक रूम्स। तो हमारा जो ये रूम है वो है लेक व्यू रोमांटिक। तो यहाँ से जो व्यू है उसको देखने के बाद आपका जो सफ़र का जो भी आपकी टायर्डनेस है, जो आप 6 to 7 hours से जो आप सफ़र करके आए हैं, तब वो आपको इस व्यू को देखने के बाद आपको एकदम रिलैक्स फील होगा। आपको लगेगा कि यह ट्रैवल करना हमारा मीन्स वेस्ट नहीं गया। तो यू कैन सी रूम भी काफ़ी स्पेसियस हैं। Yeah, you can see, wow, what a view. Looks like it's a scenic beauty. It feels fresh here. And ये जो आप देख रहे हैं ये वानासुरा डैम है, जो कि अभी उसमें उतना पानी नहीं है, क्योंकि जब इसमें पानी होता है तो ये पूरा एरिया पानी, इस पूरे एरिया में पानी ही होता है। जो आपको ये लैंड दिख रहा है यहाँ पे भी पानी रहता है, तो उस टाइम का जो व्यू होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड अभी भी ब्यूटीफुल है, बिकॉज ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हैं। टाइम टू हैव लंच। तो इनका जो फूड है उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको पुश करते हैं कि आप इनका बुफे लें, बिकॉज इनका जो अला कार्टे है उसमें कुछ भी ऑप्शंस नहीं रहते हैं, 2-3 ऑप्शन ही रहते हैं। एंड खाना उतना हमको अच्छा नहीं लगा खाने में, एक्चुअली इन्होंने स्पाइसेस ज़्यादा रहते हैं, बोलते हैं कि हम अपने लोकल स्पाइसेस यूज़ करते हैं, तो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा थे। Thank you.
we are having us time actually. You can say it's a very romantic location. आप यहाँ पे स्पा भी करा सकते हैं, यहाँ पे स्पा की और काफ़ी अच्छे से 45 मिनट्स ये स्पा करते हैं, तो आपको काफ़ी रिलैक्सिंग फील होगा। सो हियर वी आर एंजॉयिंग अवर इवनिंग टी विद दिस माउंटेन व्यू। Here we are having fun and we are enjoying live music with campfire. So actually exploring the resort now. एंड हम बस जो हम वानासोना डैम गए थे, वहाँ से 6 किलोमीटर था अप्रॉक्स, जो कि आपको रोम से भी दिख रहा है, तो वहाँ पे गए थे। एंड तो मैं वहाँ का जो वीडियो है वो आपको पार्ट 2 में दिखाने ही वाली हूँ। ये जो रूम्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो रूम है ये है लेक व्यू प्रीमियम रूम, जिनका लेक का व्यू है, बट लेक अभी लेक में पानी नहीं था तो कोई व्यू नहीं था। Here we are having fun in swimming pool. ये फूड का हमको थोड़ा समझ में नहीं आया, बिकॉज ये रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा था, इनकी हॉस्पिटैलिटी भी काफ़ी अच्छी थी एंड ब्रेकफास्ट भी इनका अच्छा था, बट जो इनका जो लंच एंड डिनर रहता है उसमें ये आपको इतने ऑप्शंस नहीं देते हैं, क्योंकि जब हम गए थे तो पूरा रिजॉर्ट फुल था, उसके बाद भी इनके पास केवल जो ऑप्शन वो 2-3 ऑप्शंस ही थे अलाकाटे में, एंड बुफे में भी वही सेम ऑप्शंस भी रहते हैं। एंड जो इनका जो मेन्यू रहता है, जो रूम पे ये मेन्यू रखते हैं, उसमें से इनको कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं होता है, तो आई डोंट नो व्हाई कि इतना कम ऑप्शन इन्होंने क्यों रखे हैं। इतना ज़्यादा कॉस्टली रिजॉर्ट है और पूरा फुल भी था, तंदूर के ऑप्शंस नहीं रहते हैं लंच में, तो आपको चपाती ही मिलेगी या फुल्का मिलेगा। बस यही एक पॉइंट हमको थोड़ा लगा कि फूड अगर अच्छा मिल जाता तो बोलते हैं ना कि मज़ा ही आ जाता। बाकी सारी चीज़ें इनकी अच्छी थी, हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, व्यू तो बहुत ही अच्छा था, लोकेशन भी इनकी अच्छी है, बट फूड को लेके हमको थोड़ा लगा कि हाँ ये एक माइनस पॉइंट है यहाँ पे। एंड यू कैन सी ये जो ब्रिज है, इसको इन्होंने जो वायनाड का जो ग्लास ब्रिज है, जो काफ़ी फेमस पॉइंट है, उसके पैटर्न पर ही बनाया है। तो हम उस जो ग्लास ब्रिज था वहाँ पे नहीं गए थे, बिकॉज़ हमको वहाँ पे जाना इतना वर्थ नहीं लगा,
क्योंकि हमको जो सारा व्यू था वो इस रिज़ॉर्ट में ही दिख गया था, और वो हमारे रिज़ॉर्ट से 40 किलोमीटर दूर था, तो हमको वहाँ जाना इतना वर्थ नहीं लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।